माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज ही 21 अक्टूबर यानी कि प्रणव दादा का बर्थडे, और आज से जस्ट 2 दिन बाद दिवाली है, तो तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं और लाइट भी लग रही है। मैं आपको दिखाऊंगी, एक मिनट। तो यहाँ लाइट्स भी लग रही हैं और रूम में पेंट भी हो रहा है और नीचे ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा बना है, तो मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। चल के पहले रूम देख लेते हैं, लाइट दिखा देती हूँ और फिर चल के ब्रेकफास्ट देखेंगे। दे रही लाइट लग रही है इधर। और ये रूम की विंडो, वहाँ चल के देखते हैं कि रूम की क्या हालत है अभी। गाइस, अभी ये हाल है रूम का, पूरी पन्नियाँ लगी हुई हैं और ऐसा फैला हुआ है, पुट्टी हुई है, अभी पेंट होना बाकी है और ये कुछ हाल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ हम अभी रह रहे हैं, मतलब जहाँ सो रहे हैं, जहाँ पे हैं, उस रूम की हालत। तो चल के बाजू वाला रूम भी देख लेते हैं एक बार। और गाइस, ये है कुछ हाल बाजू वाले रूम का जहाँ पे हम अभी रुके हुए हैं। और फ्रेंड्स, मैं नीचे ब्रेकफास्ट करने जा रही थी तो दादी के रूम की भी सफाई हो रही है, तो गली में भी कुछ इस तरह से फैला हुआ है पूरा। बहुत ज़ोर शोर से दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पेंट भी ऑलमोस्ट हो गया है सब जगह। अब नीचे चलते हैं। तो गाइज, आज 2 तरह के ब्रेकफास्ट बने हैं। एक में बना है मैगी, क्योंकि हम लोगों को वही पसंद है, मतलब बच्चे लोगों को, तो एक में मैगी बनी है और दूसरा बड़े लोगों के लिए बनी है कचौड़ियाँ। इसके ये चावल आटे की बोलती हूँ, गेहूँ आटे की कचौड़ियाँ हैं और इसके अंदर ना फिलिंग में दाल वगैरह नहीं है, समथिंग कुछ अदर ही है, मतलब कि आलू और उसमें थोड़े वेजिटेबल्स ऐसे करके, ये रहा उसके अंदर वाला भरने का सामान, ये रहा उसका आटा। और अब चल के मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, ये नहा चुकी है, मैं नहाई नहीं हूँ तो मैं नहाने जा रही हूँ। गिन्नू शट अप। तो अभी ट्यूशन है थोड़ी देर में, तो जल्दी से नहा लेते हैं, ट्यूशन चलेंगे और स्कूल की आज से छुट्टियाँ लग चुकी हैं, फटाक से नहाते हैं और ट्यूशन चलते हैं और फिर आएंगे और फिर कहीं कहीं घूमने जाएंगे। कहीं कहीं घूमने जाएंगे। अब तो मैं आपको लेके चलूंगी, अभी जाके मैं नहा लेती हूँ। तो गाइज, रूम भी ऑलमोस्ट पेंट हो चुका है, उसका कॉम्बिनेशन ऐसा पर्पल है और वाइट है, एक साइड पूरा पर्पल रहेगा, मतलब इस टाइप का कलर, और बाकी पूरे साइड वाइट रहेगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप भी कमेंट्स में बताना कैसा है। और आंटी यहाँ पोछा लगा रही हैं क्योंकि गली बहुत ही गंदी हो गई थी। और गाइज, यहाँ पर भी लाइट लग चुकी हैं, अब देखते हैं रात को कैसा दिखेगा बाहर। इधर नहीं लगी अभी, इधर ही लगी है, देखते हैं रात को अब जल्दी से। और गाइस, सर का फ़ोन आया था, ट्यूशन वाले सर का, तो एक खुशखबरी मिली हमको, हमारा ट्यूशन आज कैंसिल हो गया है और अभी हम जा रहे हैं घूमने कहीं कहीं, मंदिर वंदिर फिर होटल। तो जल्दी से रेडी होते हैं और निकलते हैं। गाइस, मैं रेडी हूँ और अभी चलते हैं नीचे। के अर्जुंडा धाम पे आए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है, मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगी। तो चलते हैं जल्दी से अंदर और देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है, तो चलते हैं फटाक से।
दूसरे मंदिर आए हैं, माँ के मंदिर। ये भी बहुत सुंदर मंदिर है, मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ। माँ की मूर्ति भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो चल के देख लेते हैं। वैसे तो हम होटल जाने वाले थे, बट हमें मिल गई हमारी चाट गुपचुप, तो बस यहीं पे अब हम टूट पड़ेंगे और स्नैक्स एंजॉय करती हूँ मैं, और देखते हैं क्या होता है। शॉपिंग करने और देखते हैं हम क्या क्या खरीद के जाएंगे।